त्रेता काल था, रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि जहाँ कहीं धर्म अच्छा कर्म होता था ना, रावण के जो सेना नायक है, सिपाही है, आते थे और सारा अच्छा काम करने वाले लोगों को टांग के लेके चले जाते थे और वहां ले जाके जबरदस्ती मजदूर बना के काम कराते थे। पृथ्वी रावण के अत्याचार से दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास जाती है और अपना दुख सुनाती है कि प्रभु हमारे दुख का निवारण कीजिए, हमसे और दुख सहा नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर जो भी अच्छे लोग हैं, पृथ्वी के ऊपर जो भी अच्छे लोग रहने वाले हैं, ब्राह्मण लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, उन सबको बहुत बहुत सता रहा है रावण और उसकी टोली के लोग। धेनु रूप धरि हृदय बिचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाए सिरोई, काहुते कछु काज न होई। अपना सारा दुख सुनाती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पृथ्वी, आपके दुख को हम नहीं दूर कर सकते, आपके दुख को दूर करने में केवल विष्णु भगवान सक्षम हैं। सब देवता लोग इकट्ठा हो जाते हैं और विचार होने लगता है कि विष्णु भगवान इस समय कहाँ होंगे, कब किस भक्त की जरूरत के लिए कहां गए हैं, कुछ पता नहीं है। उसी सभा में शिव जी मौजूद हैं। शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती जी, हम भी वहां पर मौजूद थे और हमको तो मालूम है कि भगवान हर कण कण में है, हर जगह है, सर्वत्र है, बस उसे याद करें हम प्रेम से तो प्रकट हो जाते हैं। तो हमने बताया सबको, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, देश काल दिसी विदिशहु माही, देश काल दिसी विदिशहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटहिं जिमियागी, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कहीं ब्रह्म बखाना, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 बोलो, कम तो नहीं हुई ना, है ना ठीक। तो भगवान शिव सबको बताते हैं, समझाते हैं कि हमने सभा के मध्य कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम दे प्रगट हो ही मैं जाना, परमात्मा हर जगह है, सब जगह है, ऐसा नहीं कि वो यहाँ है तो वहां नहीं है, वहां है तो वहां नहीं है। जिस वक्त परमात्मा यहाँ है उसी समय इस ब्रह्मांड के
एक एक कण में, एक एक हिस्से में विराजमान है। उसे पाने के लिए, उसे बुलाने के लिए, उसे अपनी बात पहुंचाने के लिए केवल प्रेम से उसको याद करना है, सुमिरन करना है। कैसे? जैसे आप माचिस की डिब्बी देखे हो ना, तो एक बार खुरचते हो तो क्या होता है, आग लग जाता है। ठीक है, तो आग से आप भोजन भी पका सकते हो और किसी का घर भी फूंक सकते हो, ऐसा भी होता है। ठीक, खैर, पकाना और भोजन पकाना और घर फूंकना तो बाद की बात है। कुल मिला के वो जो माचिस की तिल्ली होती है और डिब्बी होती है, आप जेब में रखे रहते हो तो जेब में आग थोड़े लगता है, लेकिन आप जब उसको ध्यान से खुरचते हो तो फिर वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उसी तरह प्रेम रूपी जब हम भावना से ओत प्रोत होकर भगवान को याद करते हैं, तो भगवान हम जहां याद करते हैं वहीं प्रकट हो जाते हैं। अब देखिए, भागवत की कथा आपने सुना होगा, तो प्रहलाद जी के समय जब उनके पिता पूछते हैं कि तुम्हारा परमात्मा कहाँ है, तो प्रहलाद जी कहते हैं हमारे परमात्मा तो हर जगह है, कण कण में है, ऐसा कोई है ही जगह नहीं जहां पर परमात्मा ना हो। तो उनके पिता कहते हैं कि खंभे में भी है, तो बोलते हैं हाँ खंभे में भी है। तो गदा से मार दे खंभा, खड़ाक से जोर सा शोर होता है और टूटता है खंभा, उसी खंभे में से भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब उठा करके प्रहलाद के पिताश्री को उनका काम तमाम कर देते हैं। तो परमात्मा सच में हर जगह है। हम सब ना अपने कामनाओं में, अपने इच्छाओं में ऐसे रचे बसे हुए ना कि हमको कभी एहसास ही नहीं होता कि हमारे हृदय में, हमारे अंतर प्रदेश में ना परमात्मा है। शिव जी कहते हैं परमात्मा को याद करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस जहां है वहीं हम सब उनको याद करें, परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विजहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर मन जानै कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक मन बच कम बाई थाई सया
वचन समेत सनेहा गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेहा। बहुत सुंदर स्तुति का यहाँ पर गान किया गया है। जय जय सुरनायक, जय जय सुरनायक, जन सुखदायक प्रंत पाल भगवंता। हे देवताओं के नायक, आपकी शरण में आने वाले की आप रक्षा करते हैं प्रंत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, आप ब्राह्मण की गौ माँ की हमेशा रक्षा करते हैं, असुरों का नाश करते हैं। आप लक्ष्मी जी के पति सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई। आपका मर्म किसी को नहीं पता चलता है, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। भगवान सहज कृपालु हैं, दीनों पर दया करते हैं। हम दुनिया के लोग अगर किसी की मदद करते हैं तो जीवन भर ना उसको गुलाम बना के रखना चाहते हैं, ताना मारते हैं, क्या थे तुम, कुछ नहीं थे, हमने पढ़ाया लिखाया, हाँ आज काबिल बना दिया तो लगे हो विद्वान बनने और अमीर बनने और हमारे सामने बड़प्पन झाड़ने। ऐसे हम लोग ताना मारते हैं अगर किसी की मदद कर दिए तो। रिश्तेदारी में बहुत ही भयंकर सीन है, रिश्तेदार अगर किसी को मदद कर दे तो जिंदगी भर जहाँ जहाँ जाता है सब जगह गाना गाता रहता है, अरे आज उनका लेकवा इससे हो गई बात है, हम ही तो मदद किए थे, कोई पूछे ना पूछे इसे बताते रहते हैं, बहुत गलत बात है ये। जय जय अविनाशी सब घटवासी, जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंद। हे परमात्मा आप घट घट में विराजमान है, आपको प्रणाम है। जिन सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजाई, पूरे ब्रह्मांड को जिसने बनाया और बिना किसी के मदद लिए स्वयं ही पूरे सृष्टि का सृजन किया, ऐसे परमात्मा कृपा करिए, हम सबके दुख को दूर करिए, हमारी रक्षा करिए। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुमही लागि धरि हौं नर बेसा, अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हौं दिन कर वंश उदारा। हे देवता जन आप लोग डरिए मत, हम अपने चारों अंशों सहित संपूर्ण अंश सहित अवतार लेंगे, रघुकुल के जो राजा हैं दशरथ जी उनके पुत्र के रूप में अवतरित होकर के हम आपकी रक्षा करेंगे। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहो मैं पूरब वर दीन्हा। कश्यप अदिति पूर्व जन्म में खूब घनघोर तपस्या किए, जब हम प्रकट हुए तो हमने पूछा कि क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु हमें आप पुत्र रूप में चाहिए। हमने कहा ठीक है, तो हम उनके वचन को भी पूरा करेंगे और आप सबकी रक्षा भी करेंगे। आप सब लोग अपने अपने नगर को जाइए और आनंद से रहिए, बहुत जल्दी आपके दुखों को हम दूर करेंगे। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों
शीश सभी को मिलती है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। यदि धूल तुम्हारी मिल जाए यदि धूल तुम्हारी मिल जाए जीवन का सहारा हो जाए। तेरी लगन में खो जाऊं तेरी लगन में खो जाऊं दुनिया सरकार तुम्हारे महफिल में आशीष सभी को मिलती है। मेरी भी बिगड़ी बन जाए मेरी भी बिगड़ी बन जाए एहसान तुम्हारा हो जाए। तेरी लगन में खो जाऊं तेरी लगन में खो जाऊं दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुबर की नजर
बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। तो भगवान की कृपा एक बार हमारे जीवन पर हो जाए ना, जिंदगी समझिए एकदम आनंदित वाली हो जाए, कोई कष्ट ही नहीं रहे जीवन में, सब का सब कष्ट समाप्त हो जाए। तो त्रेता का काल था, महाराजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे भूमंडल पर उनका अपना एक अधिकार था, मतलब एकमात्र राजा थे जो पूरे विश्व पर शासन करते थे, ऐसा गौरवशाली हमारा अतीत रहा है। बहुत आनंद था उनके जीवन में, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं था, बस एक एक तकलीफ था, वो तकलीफ था संतान नहीं था, और ये गृहस्थ जीवन में संतान का न होना सबसे बड़ा कष्ट होता है। उम्र भी धीरे धीरे काफी उनकी हो चुकी थी। एक बार की बात है, बहुत बहुत अधिक दुखी हो गए इस बात को लेकर के कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, कैसे संतान प्राप्त होगा। जब उनके अंदर ये भावना आई तो वो इधर उधर भटके नहीं, सीधे अपने गुरुवर वशिष्ठ जी के पास गए और कहे, हे प्रभु, हमारे मन की जो पीड़ा है वो आपसे हम कहना चाहते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे दशरथ जी, आप तनिक भी चिंता मत करें, एक नहीं आपको चार चार संतान प्राप्त होंगे, तो एक काम करना होगा, एक यज्ञ का आयोजन करिए, पुत्र प्राप्ति कामेष्टि यज्ञ के जो विशेषज्ञ हैं वो श्रृंगी ऋषि हैं, उनको बुलाया जाता है और यज्ञ संपन्न होता है। यज्ञ से साक्षात अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट होते हैं, वो चरु वो खीर राजा दशरथ के हाथों में देते हैं, दशरथ जी उसके दो हिस्से करके एक हिस्सा कौशल्या जी को और एक हिस्सा कैकेयी जी को दे देते हैं। दोनों रानी लोग अपने हिस्से में से दो हिस्से करके एक हिस्सा स्वयं ले लेती हैं, और कौशल्या जी अपने हिस्से का एक भाग और कैकेयी जी अपने हिस्से का एक भाग सुमित्रा जी को दे देती हैं। समय बीतता है, धीरे 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 भगवान के आगमन का समय आता है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जनम सुख मूल, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुकल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, सुर संतन मन चाओ, वन कुसुमित गिरि गण मनियारा, सवहि सकल सरिता मृद धारा, सो अवसर भी
रंच जब जाना चले सकल सुर साज विमाना गगन विमल संकुल सुर जूता आवै गुण गंधर्व भरूता। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बरसै सुमन सुअंजुलि साजी गह गहि गगन दुदुम्भी बाजी असुधि करै नाग मुनि देव बहु बिलावै निज निज सेवा तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता चैत्र का महीना है, नौमी की तिथि है। अभिजीत का जो मुहूर्त है शुक्ल पक्ष, न दिन है न रात है, बिल्कुल मध्यम का जो दोपहर का समय होता है, भगवान श्री राम के आगमन का समय आता है। पता है जब भगवान के आगमन का समय होता है ना, तो चारों तरफ से सुगंधित मंद मंद हवाएं बह रही हैं, सबके हृदय में आनंद का उद्रेक उठ रहा है, सब लोग बहुत आनंदित हैं। जब एक खबर ब्रह्मा जी को देवताओं को पता चला तो सब लोग अयोध्या के नभमंडल पर विराजमान होकर के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, अयोध्या नगरी पर बहुत आनंदित है सबके सब लोग। सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम, जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अपन लोग स्तुति करेंगे, बहुत सुंदर स्तुति, आप सबको पता होगा भगवान के आगमन की स्तुति है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा अनुघन श्यामा निज आयुध बुध चारी, भूषण बन माला नयन मिसाला शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करऊ अनंदा, माया गुण जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जय कही कथा
सुनी बचन सुजाना रोदन ढाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन रही भव यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन रही भव यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन रही भव विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। तो बहुत सुंदर स्तुति है, इसका मतलब समझिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हे दीनों के दयाल, हे कौसल्यानंदन, हमेशा हित करने वाले प्रभु आप प्रकट हुए, आपको प्रणाम है। हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। माँ अपने ही बेटे को देख करके ना विस्मित हो जाती, खो जाती है उसके रूप में, आनंदित हो जाती है। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। चार भुजा लेके भगवान प्रकट हुए। हमारी आपकी तरह दो भुजा नहीं है उनकी, और हमारी तरह आपकी तरह वो योनिज भी नहीं है। जैसा हमारा नारद छेदन होता है और हम जिस तरह से बच्चे लोग जन्म लेते हैं, वैसे उनका जन्म नहीं हुआ है। वो माँ के गर्भ में वास तो जरूर किए, लेकिन अपनी ही शक्ति से स्वतः माँ के उदर से वो भूमिष्ठ भी हो गए। और ऐसा नहीं कि हमारी आपकी तरह के चिल्लाते हुए चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं, माता जी हम आ गए बाहर, मौज करिए, कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दाई नहीं। तो माता जी बड़ी खुश हैं, देख एकदम से भगवान साक्षात हमारे समक्ष प्रकट हो गए हैं। तो माता जी हाथ जोड़ती कहती हैं, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के ही विधि करूं अनंता। हे प्रभु हम आपकी स्तुति कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता। आप करुणा के सागर हैं प्रभु, समस्त गुणों के खान हैं आप, और जो ज्ञान है ना उससे भी आप अतीत हैं। वेद पुराण आपका बखान करते हुए कहते हैं आपको माया छू तक नहीं पाती है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। पूरा ब्रह्मांड जिसका स्वरूप है, सृष्टि का एक एक वस्तु जो है ना भगवान का स्वरूप है, इसलिए कहते हैं जगत जो है ईश्वर का साकार स्वरूप है। इतना बड़ा परमात्मा, इतना विशाल, इतना व्यापक परमात्मा, मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। अगर कोई सुनेगा कि आप मेरे पेट में वास किए हो, कोई यकीन ही नहीं करेगा। प्रभु जब देखते हैं भगवान श्री राम की हमारी अम्मा को कितना ज्ञान है हमारे मूल स्वरूप के बारे में, तो मुस्कुरा देते हैं। माँ कहती है कि हे भगवान, हे प्रभु, इतना बड़ा बच्चा क्या करेंगे हम, हमको छोटा बच्चा चाहिए, ठीक है, तो आप कृपा करके छोटे हो जाइए अच्छे बच्चे की तरह। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुं तात यह रूपा। हे तात, इस अपने विशाल रूप को त्याग करके छोटा बच्चा बन जाइए। कि जैसी सुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परमा अनुपा। जैसे ही माँ का आदेश मिलता है भगवान के करते हुए रोना शुरू कर देते हैं, और जैसे उनके रोने की आवाज राजमहल में गूंजती है, दशरथ जी तो मानो एकदम आनंद से भर जाते हैं और दौड़ते आ करके भगवान को अपने गोद में उठा लेते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। पूरे राज्य में घोषणा हो जाती है कि अब हमारे राज्य में एक बहुत बड़ा उत्सव आयोजित होगा, सब लोग आनंदित रहेंगे, सब लोग खूब गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे,
तो आज अयोध्या में खूब सुंदर उत्सव आयोजित हुआ है। यहाँ पे लोग सोहर गा रहे हैं, बधाई गीत गा रहे हैं, ढेर प्रकार के गीत नृत्य हो रहे हैं। हम लोग भी थोड़ी देर के लिए उस माहौल में चलते हैं और आनंद लेते हैं। राजा दशरथ घरे चारी होरिलवा अति सुंदर हो ललनाथन मन करेले गुजरिया दिल करिया अब चले
जी के अकिया माई के हो। ललना मुहावा कनवा सुरु जवा त सगरो अनोर भैले हो। ललना मुहावा कनवा सुरु जवा त सगरो अजोर भैले हो। सुहागिन बड़ भागिन मन धन लुटावेलियो। सासु सुहागिन बड़ भागिन मन धन लुटावेली हो। ललना दुआरा पे बाजेला बधैया आंगनवा उठे सोहर हो। ललना दुआरा पे बजला बधैया आंगनवा उठ तोहर हो। नचना जी गावेली बहिनिया ललन के नाची गावेली बहिनिया ललन के खेलावेली हो। ललना हसी हसी तिहु की चलावेली रसबर सावेली हो। जुगजुगिया सुललनवा भवनवा के भाग लागल हो। जुगजुगिया सुललनवा भवनवा के भाग लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक बनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक बनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक बनवा में आस लागल हो। श्यावर रामचंद्र की जय। बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की। तोरत कानन रागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में।
भरी ब्रह्मदागन नाचे, प्रेम भरी ब्रह्मदागन नाचे। श्याम रामचंद्र की जय। दे दी कौसल्या जी बधाई, बधाई लाला के जन्म की। दे दी कौसल्या जी बधाई, बधाई लाला के जन्म की। बधाई, बधाई।
कौशल्या की बधाई बधाई लाला के जन्ममूर्ति। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पौन सुत हनुमान की जय, उमावति महादेव की जय। बड़े आनंद से सब लोग आनंदित हैं। पता है राजा दशरथ जी इतना दान लुटाते हैं, इतना दान लुटाते हैं, और उनके नगर में जिनको दान मिलता है ना वो छुपा कर की जेब नहीं भरते हैं, वो लोग भी लुटा देते हैं। तो अब देखो ऐसे समझो कि अगर मान लो यहाँ पे सबको 100-100 रुपये मिल गया और सबने 100-100 रुपये लुटा दिया, किसी को नुकसान हुआ? भाई 100 रुपये सबने लुटाया है ना, ऐसा सोचो ना एक ही आदमी सबका बटोर के रख लिया है, सबको 100-100 रुपये वापस मिल गया। तो इस तरह से कोई गरीब नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता, सब लोग आनंदित हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान के आगमन की खुशी में सब 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 झूम रहे हैं। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जानई कोई, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। मतलब एक महीने का दिन रहा, रात आई ही नहीं, सूरज भगवान इतना आनंद ले रहे, इतना आनंद ले रहे हैं, भगवान को देखे जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चला कि एक महीना का पूरा दिन रहा, बीच में कोई रात ही नहीं आई, सब लोग नाच नाच के आनंदित है। राम जी कहते हैं हे सूर्यदेव, अब आप जाइए ताकि निशा देवी जो है रात्रि देवी आए और वो दर्शन करें, आनंदित हों, लाभ हमको मिले। तो भगवान श्री राम के जन्म के बाद सब बड़े खुश थे, बहुत आनंदित थे। धीरे धीरे समय बीतता है और भगवान बकैया चलते हैं, फिर थोड़े दिन बाद और बड़े हो जाते हैं। तो ये होता है कि अब इन बच्चों का नामकरण हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चों का नामकरण होने के बाद उनको बुलाना आसान हो जाता है। पता चला चार बच्चे हैं और बुला रहे, ए बाबू सुन भाई, तो चारों के चारों दौड़ के आ रहा है, फिर आदमी परेशान हो जाएगा, एक को डांटेगा तो चारों बेचारे डर जाएंगे। तो नामकरण होता है। अच्छा ये टफिया तो हम धुलाई के लिए, बढ़िया टाफी है भाई, लगा था वहीं से लाए बैठे। ठीक है, एक एक से ज्यादा कोई नहीं लेगा, ठीक है। हाँ अब बाकी यही बाटल होगा, ठीक है। जो आनंद सिंधु सुखरासी, सीकर तेत्रे लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असना, शत्रुहन वेद प्रकाश, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाश, लक्षण धाम राम प्रिया सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि जो आ
आनंद सिंधु सुखरासी सी करते त्रैलोक सुपासी। इस सृष्टि में जो ना एक एक कण सुख का है ना, चाहे वो छोटा चाहे बड़ा, वो सब परमात्मा भगवान आपके जो पुत्र हैं बड़े उनका नाम है श्री राम। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। जो संसार के लोगों का भरण पोषण करेंगे ऐसे आपके दूसरे पुत्र हैं भरत जी, जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए उनका नाम शत्रुघ्न तीसरे। और जो लक्षण धाम राम प्रिय, जो समस्त प्रकार से राम को प्रिय हैं, राम को प्रेम करते हैं, सकल जगत के जो आधार हैं भगवान राम जी के परम भक्त लक्ष्मण जी, उनका नाम लक्ष्मण रखा जाएगा।